हाय एवरीवन, दिस इज़ रचना एंड वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। सो आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल स्वीट जलेबी। और आई एम श्योर इस रेसिपी को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जलेबी बनाने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, यानी कि रिफाइंड फ्लावर, ये वज़न से 100 ग्राम है। और साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पे राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में ही आसानी से चावलों को मिक्सी में चला करके बिल्कुल बारीक पीस लेना आपको। और मैं आपको टेबलस्पून बता देती हूँ, आपको टेबलस्पून कैसे नापनी है। इस तरह से जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसे फिल कर लेना है और ऊपर से इसको लेवल करना है और जो एक्सेस है उसे निकाल देना है। इस तरह से ये 1 टीस्पून बन जाती है। और अगर आप इसी तरह से 3 बार इसे लेते हैं तो ये 1 टेबलस्पून बनती है। बस इसी तरह से आपको 3 टेबलस्पून चावल का आटा लेना है, बस इसे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे लिया मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, इसे कर लेंगे मिक्स। आप चाहे तो यहाँ पे बैटर में कलर ना डाल करके चाशनी में डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे लिया मैंने 3 टेबलस्पून दही। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये कप। इस कप का जो मेजरमेंट है वो 100 ml है। तो यहाँ पे मैं आपको ml के हिसाब से बताऊँगी आपको कितना पानी डालना है, और कप में भी डाल के बताऊँगी कि ये कितना बनता है। तो अगर इस कप में हम इस पानी को डालते हैं तो ये 3/4 कप बनता है, यानी कि फुल कप से थोड़ा सा कम। तो ये सारा का सारा पानी हम इसमें डाल देंगे। विस्क की हेल्प से इसे अच्छे से हम विस्क करेंगे। और जितनी आप जलेबी बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप जो इंग्रेडिएंट है उसे मेजर कर लेना। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई ड्राई सा है। तो इसी कप को मैंने हाफ फिल किया है और थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। बस इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। मुझे ये हल्का सा थिक लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। जो हमारा बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी का परफेक्ट होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो आपकी जलेबी है वो एकदम गोल गोल बनेगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 10 ml के करीब पानी बचा लिया है और इस हिसाब से लगभग इसमें 140 ml पानी इसमें मैंने डाला है। तो बस बैटर हमारा हो गया तैयार। अभी आपको ये हल्का सा पतला लग रहा होगा लेकिन जब ये रेस्ट करेगा तब थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बस अब इसे हम ढक देंगे और रेस्ट करने के लिए रखेंगे लगभग 15 मिनट के लिए। अब जलेबी के लिए चाशनी बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिया मैंने 3 कप चीनी, 2 कप पानी, 1 टीस्पून लेमन जूस और 2 से 3 इलायची, और इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे। और बस चाशनी को हमें लगभग 2 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा यहाँ पे आपको उबालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब फ्लेम कर दिया मैंने ऑफ और चाशनी हो गई आपकी तैयार। और अब बैटर देख लेते हैं। इसे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, अब ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है। और ये आपका जो बैटर है एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए। सो जलेबी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया एक पाइपिंग बैग। अगर आपके पास ऐसा पाइपिंग बैग नहीं है तो जो
दूध के पैकेट होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे काट दिया और अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पे आपको लेना है एक ग्लास और इस तरह से आपको जो पाइपिंग बैग है उसे लगाना है ताकि आप आराम से फिल कर पाओ। और इसी तरह से हम जो दूध का पैकेट है उसे भी लगा देंगे। और बस बैटर को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इनमें फिल करेंगे। आप इसे ज़्यादा मत भरना पहली बारी में। बैटर फिल करने के बाद हम पाइपिंग बैग को रबर बैंड की हेल्प से टाई कर देंगे। इस तरह से। ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे पाइपिंग बैग ही चाहिए, इस दूध के पैकेट से भी एकदम परफेक्ट बनेगी जलेबी। तो यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा इसमें डाल के चेक करना है कि तेल आपका गर्म हुआ है कि नहीं। अगर ये एकदम से ऊपर आ जाता तो तेल आपका परफेक्ट गर्म है। अगर आपके पास इस तरह का फ्राई पैन नहीं है तो आप नॉर्मल फ्राई पैन जो आप यूज़ करते हो उसमें भी बना सकते हो, बस होता ही है कि थोड़ा कम क्वांटिटी में बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो पाइपिंग बैग है उसे मैंने कितना कट किया है, मतलब बिल्कुल बारीक कट किया है, जैसे आप करते हो बारीक जलेबी बनाने के चक्कर में। और उससे होता क्या है, ये आप देख रहे हो ना जलेबी की शेप कैसी बन रही है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बारीक कट करके दिखाया कि जब आप बारीक काटते हो तब जलेबी कैसी बनती है। बिल्कुल भी इसकी शेप अच्छी नहीं आती है और इस तरह से जो बैटर है वो निकलता है। जलेबी के लिए बैटर तो फिर भी बन जाता है, लेकिन अगर आप पाइपिंग बैग काटने में गलती करते हो तो ऐसी शेप बनती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। लेकिन इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, जलेबी जलेबी रहेगी। बस इसको आपको ऐसे ही सेक लेना है, मैं बस आपको ऐसे ही ये बना के दिखाई थी। और अब दूध के पैकेट से भी जलेबी बना लेते हैं और आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट बन रही है इससे। और इसे मैंने थोड़ा मोटा ही काटा है, जितना मैंने पाइपिंग बैग काटा था ना उससे ज़्यादा। और आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से बन रही है। और बस करना कुछ नहीं, आपको गोल गोल घुमाना है। और लेकिन इसमें जो गलती होती है तेल के मामले में वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब तेल ठंडा होता है और आप ठंडे तेल में जलेबी तलते हो तो क्या होता है। कई बार क्या होता है, जो हमारा तेल है वो सेंटर में तो अच्छे से गर्म होता है लेकिन कई बार साइड में अच्छे से गर्म नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर जलेबी जो हमारी ठंडी रह जाती है। ये देखो आपको कुछ जलेबी दिख रही होगी इसमें जो बिल्कुल चपटी सी हो गई है, ये वाली, इनका कोई काम नहीं है तो इनको निकाल देंगे। तो बस ये गलती आपको नहीं करनी है, जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो आपको तभी इसमें जलेबी तलनी है। और जलेबी को आपको ऑयल से निकालते ही सीधा सिरप में डिप करना है। और अब पाइपिंग बैग को मैंने मोटा काट लिया है और आप देख सकते हैं हमारी जलेबी कितनी सुंदर बन रही है और तेल भी अच्छे से गर्म है। और सेंटर में जगह बना के सेंटर में हम जलेबी को जो है पाइप करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ना जलेबी बनाना कितना आसान है। और जो इस जलेबी का टेस्ट है वो एकदम मार्केट वाला टेस्ट आने वाला है, आप इसे बना के ज़रूर देखना, फिर आप कभी नहीं कहोगे हमें जलेबी बनानी नहीं आती। और आप देख सकते हैं इस बार कोई भी जलेबी जो है वो चपटी नहीं हुई है क्योंकि जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म है। तो बस इसी तरह से आपको जलेबी बनानी है। और आप चाहे तो इसे बिल्कुल क्रिस्प फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मीडियम फ्राई किया है ना, इतना फ्राई भी काफ़ी है। तो बस इस तरह से मैंने इन्हें डिप कर लिया। तो बस इसी तरह से आपको जलेबी बनानी है। Thank you.
तो चलो अब जलेबी की टेस्टिंग भी कर लेते हैं, क्रिस्प है कि नहीं। आप देख सकते हो एकदम क्रंची है और इसे थोड़ा टाइम भी हो गया रखे हुए, लगभग आधा घंटा, और एकदम क्रिस्प है और टेस्ट में एकदम ऑसम है। आप इस दिवाली इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कर देना जल्दी से फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।